मैं संतोष पटेल, स्टेट कोऑर्डिनेटर विद्यार्थी विज्ञान मंथन मालवा प्रांत मध्य प्रदेश। तो आज हम इस वीडियो के अंदर विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो एग्जाम है, इस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या होता है, इसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के स्कूल को क्या बेनिफिट है, टीचर को क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इन सब चीजों के बारे में जानने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एग्जाम का जो ब्रोशर है उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले जाकर उस ब्रोशर को डाउनलोड करके पूरी चीजें एक बार पढ़ सकते हैं। दूसरा, इसकी वेबसाइट भी दी हुई है विद्यार्थी विज्ञान मंथन की, www.vvm.org.in। आप वहां पर जाकर भी विद्यार्थी विज्ञान मंथन एग्जाम को रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा, टेलीग्राम का आपको लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम की लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम का जो ग्रुप बना हुआ है हमारा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप का फायदा ये है कि टाइम टाइम पर एग्जाम से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी, कब इसका मॉक टेस्ट होगा, इस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, ऐसी सभी जानकारी आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ हम लोग करियर गाइडेंस सेमिनार भी विज्ञान भारती के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो आप सभी सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको जो संबंधित जानकारियां वो मिलती रहे। धन्यवाद। और आप चलो हम बात करते हैं एग्जाम विद्यार्थी विज्ञान मंथन के बारे में। विद्यार्थी विज्ञान मंथन is an initiative of Vigyan Bharati and jointly organized by Vigyan Prasar and NCERT. Vigyan Bharati ek sanstha hai. The main objective of Vigyan Bharati to propagation and popularization of science and technology among students and masses. Vigyan Bharati ka mukh uddesh prachin se lekar vartman tak vigyan ke kshetra mein bhartiya vaigyanikon ka क्या योगदान रहा है, उस योगदान को जन जन तक पहुंचाना उसका मुख्य उद्देश्य है। लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करना कि भारतीय वैज्ञानिकों ने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए, उनका क्या योगदान रहा है, ये विज्ञान भारती का मुख्य उद्देश्य है। दूसरी जो बॉडी है जो इस विद्यार्थी विज्ञान मंथन को ऑर्गेनाइज करने में सपोर्ट दे रहा है, विज्ञान प्रसार एज ए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट प्रमोट्स एंड प्रोपगेट ए साइंटिफिक एंड रेशनल आउटलुक इन सोसाइटी। और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एन इंस्टीट्यूट अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अर्लियर नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 में इसको स्टार्ट किया फॉर टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन एकेडमिक मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। तो ये तीनों जो संस्था हैं, विज्ञान भारती, विज्ञान प्रसार एवं NCERT, इस एग्जाम को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस एग्जाम का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको साइंस के बारे में, साइंस के प्रति उनका इंटरेस्ट पैदा करना, और जो हमारा एंशिएंट ट्रेडिशनल जो साइंस है उस साइंस को, और जो भारतीय विज्ञान और भारतीय वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान है उसके बारे में बच्चों को अवेयरनेस पैदा करना, उनको एजुकेट करना। इसके लिए हर प्रतिवर्ष हम लोग क्या करते हैं कि 40% जो सिलेबस है वो इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस, और हर साल हम एक भारतीय वैज्ञानिक या दो भारतीय वैज्ञानिकों को इसके अंदर चुनते हैं, जिसमें इस साल हमने वेंकटेश बापूजी केटकर को चुना। उनके जीवन पर आधारित कुछ क्वेश्चन है एवं उनका कालगणना में क्या योगदान रहा उससे संबंधित क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो 40% जो हमारा इस एग्जाम का सिलेबस है वो भारतीय वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान एवं किसी एक वैज्ञानिक को हम चुनते हैं उस पर आधारित 20% क्वेश्चन उस पर आधारित रहते हैं। तीसरा, इस एग्जाम में क्या होता है, स्टेट लेवल कैंप और नेशनल लेवल कैंप में हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती हैं, इनोवेटिव एक्टिविटी होती है, आउट ऑफ द बॉक्स एक्टिविटीज होती हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, उसके माध्यम से बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है और उनको हम क्रिएटिव माइंड जो स्टूडेंट है उनको हम फाइंड आउट कर पाते हैं और एक इनको एक नेशनल और स्टेट लेवल का एक एक्सपोजर मिलता है। तीसरा,
इसका मेन मोटो इस एग्जाम के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं उनको जो नेशनल लेवल की जो R&D इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है CSIR जो लैब है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO है, वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऐसे जो हमारे R&D इंस्टीट्यूट वहाँ पे हम विद्यार्थियों को विजिट कराते हैं ताकि उनको पता चलता है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने रिसर्च के क्षेत्र में क्या काम किया और वहाँ पे क्या वर्क चल रहा है, एक एक्सपोजर उनको मिलता है उस क्षेत्र में। तीसरी चीज हम बात करें कि इसमें एग्जाम में कौन पार्टिसिपेट करेगा, हु विल पार्टिसिपेट, तो इस एग्जाम में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 तक के CBSE ICSE एवं स्टेट बोर्ड के सभी परीक्षार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक को हमने जूनियर ग्रुप में बांटा हुआ है, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 11 जो है उसको हमने सीनियर ग्रुप में बांटा हुआ है। हाउ विल पार्टिसिपेट, इसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसमें पार्टिसिपेशन 2 तरीके से होता है, एक तो इंडिविजुअल स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट, दूसरा स्कूल इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट को रजिस्टर करने के लिए आपको VVM की जो वेबसाइट है www.vvm.org.in पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ रजिस्टर एज ए इंडिविजुअल स्टूडेंट का एक टैब मिलेगा, आप उस पर जाकर क्लिक करेंगे और वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पर आपको कुछ डिटेल भरनी पड़ेगी आपकी, जो भी आपका नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंपलसरी है, क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करते हैं और नेक्स्ट का बटन का प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर एक OTP आता है, मोबाइल नंबर पर एक अलग OTP आता है और ईमेल आईडी पर एक अलग OTP आता है। उस OTP को जैसे ही आप डालते हैं, वेबसाइट के ऊपर डालते हैं और आगे प्रोसेस करते हैं, तभी आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप अमाउंट का होता है, आपको 100 रुपीज पे करने रहते हैं और 100 रुपीज आप किसी भी माध्यम से UPI के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एज ए इंडिविजुअल आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा एक आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो स्कूल का रजिस्ट्रेशन होता है। स्कूल के रजिस्ट्रेशन के केस में सबसे पहले आपको वही प्रोसेस की आपको VVM की वेबसाइट पर जाना है, रजिस्टर एज ए स्कूल पर क्लिक करना है, वहाँ पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। देन उसके बाद में अंदर जैसे आप रजिस्टर कर लेते हैं, लॉगिन और आपका लॉगिन आईडी एवं यूजर नेम एवं पासवर्ड आपका जनरेट होता है। यूजर नेम पासवर्ड जनरेट होने के बाद में आप उसको जैसे आप वेबसाइट पर डेटा को डालते हैं तो आप अंदर लॉगिन कर जाते हैं और वहां पर आपको एक एक्सेल से एक टेम्पलेट मिलता है, उस टेम्पलेट में बच्चों का डिटेल भर के आपको उसको अपलोड करना रहता है। इससे संबंधित और भी जो जानकारी है और जो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ इंडिविजुअल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की, पूरी प्रोसेस हम उसमें एक एक वीडियो से ऑनलाइन कैसे होती वो समझाएंगे और स्कूल रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस हम उसमें बताएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इससे संबंधित जो 2 वीडियो हैं वो आपको अभी मिल जाएंगे तो वो भी हम देख सकते हैं। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं तो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, इसको बच्चे अपने घर पर अपने स्वयं के मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर के माध्यम से या टैब के माध्यम से इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन एंड्रॉइड बेस्ड एग्जाम है। हम सिलेबस की बात करें इसके, तो जैसा कि हमने अभी बात किया इसका सिलेबस है कि साइंस, इसका जो 50% सिलेबस है वो साइंस एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। जो NCERT के करिकुलम में जो सिलेबस है 50% क्वेश्चन टोटल, इसमें 50 क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन के अंदर आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन साइंस एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, जो कि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरा मेन मोटो विद्यार्थी विज्ञान मंथन का, जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इंडियन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस, कि साइंस के क्षेत्र में भारत का क्या योगदान रहा उसको मैन प्रमोट करना, बच्चों को इस क्षेत्र में एजुकेट करना, इसीलिए इसका जो 20% सिलेबस है वो इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस से रिलेटेड रहेगा। इसका जो स्टडी मटेरियल है वो VVM की वेबसाइट पर आपको मिलेगा और जो हम अभी टेलीग्राम की जो लिंक आपको दे रहे हैं, जब आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे तो हम लोग उस पर भी ये चीज़ें शेयर करते रहेंगे।
और इसका जो 20% सिलेबस है, जैसा कि हम बात करते हैं हर एक साल हम लोग एक भारतीय वैज्ञानिक या दो भारतीय वैज्ञानिकों को एग्जाम के अंदर चुनते हैं, तो इस वर्ष हम लोगों ने वेंकटेश बापूजी केटकर की लाइफ स्टोरी से संबंधित एवं कालगणना के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा उससे संबंधित 20 क्वेश्चन आएंगे। इसका भी स्टडी मटेरियल विद्यार्थी विज्ञान मंथन की वेबसाइट पर आपको मिलेगा। 10% क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग से रहेंगे, जो जनरल रीडिंग बुक है आप उससे कहीं पर भी इन जनरल बुक से आप उसको रीड कर सकते हैं। तो ऐसा ओवरऑल 100% का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है। तो पैटर्न की हम बात करें तो इस एग्जाम को दो ग्रुप में बांटा हुआ है, एक तो जूनियर और सीनियर। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक जूनियर, 9 से लेकर 11 तक सीनियर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, पेपर आपका जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑनलाइन मोड में आप देंगे, घर बैठे आप उसको एग्जाम को देंगे। दूसरा, इसका जो 40 क्वेश्चन जो है वो इंडियन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस से 20, और 20 क्वेश्चन जो है लाइफ स्टोरी ऑफ वेंकटेश बापूजी केटकर। एंड वेंकटेश बापूजी केटकर का जो योगदान रहा कालगणना के क्षेत्र में उससे संबंधित रहेंगे। ये 40 क्वेश्चन का एक सेक्शन ए रहेगा, लेकिन उसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 40 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। आपको 30 मिनट के अंदर ही इन 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और इसमें एक दूसरी चीज और ये है कि जब आपका मेंस, जैसे आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम के बाद में आपका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में आप स्टेट कैंप और नेशनल कैंप के लिए आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आप सेक्शन ए में 50% या 50% से ज्यादा मार्क्स लाते हैं। सेक्शन बी, इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 क्वेश्चनों के लिए आपके पास में 60 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 30 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करना है इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड लाइफ स्टोरी ऑफ वेंकटेश बापूजी केटकर। टोटल 90 मिनट, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। बात करें अवार्ड्स की, तो हर एक क्लास से जैसे कोई स्कूल पार्टिसिपेट करता है तो सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि स्कूल में उस स्कूल से मिनिमम 30 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि हर एक क्लास से कम 10 विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेने चाहिए। यदि 10 विद्यार्थी से कम विद्यार्थी परीक्षा में यदि भाग लेते हैं तो उस केस में जो मेरिट सर्टिफिकेट हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक वाले, वो स्कूल टॉपर्स को नहीं दिए जाएंगे। तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि यदि कोई स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस स्कूल की किसी क्लास के कम 10 विद्यार्थी उस क्लास से भाग लें, उसके बेसिस पर ही स्कूल टॉपर्स को मेरिट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर। हर एक जिले से टॉप 3 रैंकर जो हैं हर एक जिले के, उन जिले के टॉप 3 रैंकर्स को मेरिट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तीसरा आपका है स्टेट लेवल विनर। स्टेट लेवल विनर के केस में क्या रहेगा, टॉप 20 जो रैंकर है, जैसे पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 11वीं तक, तो कक्षा 6वीं से क्लास के पूरे मध्य प्रदेश से जो टॉप 20 परीक्षार्थी हैं, उन परीक्षार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से टॉप 20, कक्षा 7वीं से टॉप 20, ऐसे करके कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 11वीं तक के 20-20 विद्यार्थियों को स्टेट लेवल कैंप के लिए बुलाया जाएगा और उस कैंप में कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी होंगी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। विद्यार्थियों को, टॉप 20 स्टूडेंट को स्टेट कैंप पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट एनसीईआरटी, विज्ञान प्रसार, विज्ञान भारती, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंडियन गवर्नमेंट के से रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा। स्टेट कैंप का मेमेंटो उनको दिया जाएगा और जो स्टेट कैंप में टॉप 3 स्टूडेंट जो रहेंगे, टॉप 3 जो रैंकर रहेंगे हर एक क्लास से, उनके लिए कुछ प्राइज मनी दी हुई है। जैसे फर्स्ट रैंक के लिए 5000 का प्राइज, सेकंड रैंक के लिए 3000 का प्राइज, थर्ड रैंक के लिए 1000 का प्राइज मनी भी उनको दिया जाएगा। ये लेकिन ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर जो हैं, ये
इनका चयन स्टेट लेवल कैंप के बाद होगा। उन टॉप 20 स्टूडेंट में से 3 का चयन किया जाएगा। नेशनल कैंप में जो हमारे टॉप 3 स्टूडेंट हैं, हर एक क्लास से, जैसे स्टेट लेवल कैंप आपका खत्म हुआ, 20 में से आपने टॉप 3 स्टूडेंट को यहाँ पे छाट कर बाहर निकाल लिया, उनमें से जो टॉप 2 हैं हर एक क्लास से, टॉप 2 फर्स्ट एवं सेकेंड रैंकर, वो नेशनल कैंप के लिए जाएंगे। ऐसे कक्षा 6वीं से 2, कक्षा 7वीं से 2, कक्षा 8वीं से 2, कक्षा 9वीं से 2, 10वीं से 2 और 11वीं से 2, ऐसे दो दो विद्यार्थी एक प्रदेश से कुल 12 जो हमारे परीक्षार्थी हैं वो नेशनल कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो नेशनल कैंप है वो किसी रिसर्च सेंटर, रिसर्च लैब, इस तरीके से संबंधित कुछ ऑर्गेनाइजेशन, IITs, ऐसी जगह पर आयोजित किया जाएगा। और उस कैंप में पूरे ऑल इंडिया लेवल से यहाँ पे बच्चे आएंगे, पूरे भारत के बच्चे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो एक बड़ा, बच्चों को एक बड़ा एक्सपोजर यहाँ मिलता है, इनोवेटिव क्रिएटिव एक्टिविटीज यहाँ होती हैं। और जिनमें जो टॉप 3 रैंकर है ऑल इंडिया के लेवल पर, जो टॉप 3 स्टूडेंट आते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंकर जो हैं, उनके लिए 25,000 कैश प्राइज फर्स्ट रैंक के लिए, उसके बाद में सेकेंड रैंक के लिए 15,000 और थर्ड रैंक के लिए 10,000 का प्राइज मनी। नेशनल कैंप पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट, फिर से मैं बात कहूंगा कि NCERT, विज्ञान भारती, विज्ञान प्रसार से रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर जो हैं, जो ऑल इंडिया पर आते हैं, उनको हम हिमालयंस कहते हैं। उस हिमालयंस के बाद में जर्नल जॉन वाइज भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंकर विद्यार्थियों परीक्षार्थियों का चयन होता है, उनको भी प्राइज मनी, मोमेंटो और सर्टिफिकेट हम लोग विद्यार्थी विज्ञान मंथन के द्वारा, विज्ञान भारती के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है अवार्ड का स्टेट लेवल कैंप के लिए, कि हु विल पार्टिसिपेट इन द स्टेट लेवल कैंप। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि टॉप 20 रैंकर फ्रॉम ईच क्लास फॉर एवरी स्टेट विल बी पार्टिसिपेट फॉर 1 or 2 days स्टेट लेवल कैंप, कि टॉप 20 जो रैंकर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और स्टेट लेवल कैंप कौन कौन सी एक्टिविटियों पर आधारित रहेगा, तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें रहेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज उसके अंदर रहेंगी, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस स्किल हम उनका चेक करेंगे, देन सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है विद्यार्थी की, परीक्षार्थी की, वो यहाँ पर जांची जाएगी। इस पर आधारित वहाँ पे कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी, फिजिक्स के प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल, कोई मूवी के माध्यम से उनकी स्किल्स को जांचा जाएगा, उसके आधार पर उनका नेशनल लेवल कैंप के लिए चयन होगा। तो हु विल पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल कैंप, सेम कि भैया जो टॉप 12 स्टूडेंट हैं हर एक क्लास से, 2-2 स्टूडेंट, कक्षा 6वीं से फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर जो स्टेट लेवल कैंप में आए, कक्षा 7वीं से फर्स्ट सेकंड रैंकर, ऐसे करके पूरे प्रदेश से कुल मिलाकर 12 प्रतिभागियों को नेशनल कैंप के लिए बुलावा आएगा। और नेशनल कैंप में इस तरीके से हर एक प्रदेश से 12 प्रतिभागी वहां सम्मिलित होंगे। वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी, तो प्रेजेंटेशन एंड एक्टिविटी टू टेस्ट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की साइंस के प्रति क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसका एक प्रेजेंटेशन वहां पर होगा। इनोवेशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी होंगी, क्रिएटिविटी उनकी क्या है और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उनका क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स वो क्या सोचते हैं वो हम चेक करेंगे, उनकी लीडरशिप क्वालिटी को असेस करेंगे। इसके आधार पर एक एग्जाम का पूरा पैटर्न बना हुआ है, उसके बेसिस पर उन बच्चों का चयन नेशनल कैंप में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रैंक के लिए होगा। उनको सर्टिफिकेट मिलेंगे, हिमालयंस जिनको हम कहते हैं। जो प्रतिभागी यहाँ पे नेशनल कैंप में पार्टिसिपेट करने के बाद में जो विनर यहाँ पर होंगे, उनको देश की जो नामी ग्रामी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जैसे आपका DRDO है, इसरो है, इंडियन, उनमें जाने का उनको मौका मिलेगा, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर इस एग्जाम के माध्यम से प्रतिभागियों को मिलेगा। कि फीस क्या है, तो इसमें एग्जाम की जो फीस है वो 100 rupees एग्जाम की फीस है। 30 सितंबर तक आप यदि एग्जाम में रजिस्टर कर लेते हैं तो 100 rupees है, यदि आप 15 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ 120 rupees इसका लेट फीस रहेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी दी हुई है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज जो है वो 30 सितंबर विदाउट लेट फी, 15 अक्टूबर 2020 विद लेट फी। BVM का जो स्टडी मटेरियल है, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस, और वेंकटेश बापूजी केटकर के जीवन से संबंधित जो क्वेश्चन का जो स्टडी मटेरियल है वो 20 अगस्त को विद्यार्थी विज्ञान मंथन की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। एग्जाम के पहले एक मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है ताकि बच्चों को पता चले कि एग्जाम किस तरीके से होगा, तो वो 1 नवंबर 2020 को होगा।
उसके बाद में जो मेन एग्जामिनेशन है वो आपका 29 नवंबर संडे और मंडे 30 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक शाम के आप एग्जाम में भाग ले सकते हैं। टोटल आपको 90 मिनट का टाइम रहेगा एग्जाम का, तो इस तरीके से पूरा एग्जाम होगा। जो एग्जाम का जो रिजल्ट है, पहले स्टेज के एग्जाम का रिजल्ट 15 दिसंबर 2020 को डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद में जो प्रतिभागियों का जिनका सिलेक्शन स्टेट लेवल कैंप के लिए हुआ है वो 10, 17 और 24 जनवरी 2021 को किसी भी एक दिन आयोजित किया जाएगा। नेशनल लेवल कैंप जो है वो 2 दिन का रहेगा, वो 15 और 16 मई 2021 को आयोजित किया जाएगा। ये जो डेट दी हुई हैं इनमें कुछ चेंज कोरोना के चलते कुछ चेंज हो सकता है। यदि ऐसा कुछ चेंज होता है उसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से या जो टेलीग्राम का जो लिंक है या वेबसाइट के ऊपर हम लोग आपको टाइम टाइम पर देते रहेंगे। तीसरा हम आगे बात करते हैं इस एग्जाम का बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट, पहला बेनिफिट तो ये है कि भाई स्कूल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फॉर प्रिंसिपल एंड स्कूल टीचर, कि जो स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी स्कूल टीचर को एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट जो एनसीईआरटी विज्ञान भारती विज्ञान प्रसारण के माध्यम से दिया जाएगा। दूसरा मेरिट सर्टिफिकेट, जो भी स्टूडेंट उनको मेरिट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। स्टेट लेवल कैंप और नेशनल लेवल कैंप के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। स्टेट कैंप और नेशनल कैंप में मोमेंटो जो है वो बच्चों को दिए जाएंगे। कैश प्राइज बच्चों को दी जाएगी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर हैं, उनको जो जोनल विनर हैं उनको कैश प्राइज, मोमेंटो प्राइज मनी, जो नेशनल विनर हैं जिनको हम हिमालयंस कहते हैं उनको कैश प्राइज मोमेंटो वो दिया और आपका सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। नेशनल साइंस लेबोरेटरीज में विजिट कराया जाएगा, वही हम डीआरडीओ इसरो की बात कर रहे हैं। बच्चे वहां पे जो रिनाउंड साइंटिस्ट हैं उनके साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, ऐसे विद्यार्थियों को छाट कर बाहर निकाला जाएगा। इनके लिए हम विज्ञान भारती ने नाम दिया है विज्ञान जिज्ञासु। उन जिज्ञासु विद्यार्थियों को बाहर निकाला जाएगा। इनके लिए टाइम टाइम पर जो भी विज्ञान भारती के माध्यम से सहायता होगी, साइन जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके माध्यम से कुछ उनको डिस्कशन करना है, रिसर्च के क्षेत्र में कुछ जानना है, तो उनको हर संभव सपोर्ट दिया जाएगा। एक्चुअली जो एग्जाम है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन, साइंटिफिक एंड अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, असेसमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी के बेस्ड है। तो बच्चे को एक पता चलता है, उसको असेस करने का मौका मिलता है। जो अभी ये करंट का पैटर्न चल रहा है कि बच्चा पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद में वो लिख के आ जाता है, प्रैक्टिकल लर्निंग कुछ नहीं है, तो वो एक मौका यहाँ पे मिल रहा है, एक एक्सपोजर बच्चे को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसीलिए एग्जाम जो है अन्य जो एग्जाम होती है उनसे अलग है। इस एग्जाम में यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मैं संतोष पटेल, स्टेट कोऑर्डिनेटर विद्यार्थी विज्ञान मंथन मालवा प्रांत मध्य प्रदेश, और मेरा ईमेल आईडी भी यहां पर है vvm.vibha.mp@gmail.com। मेरा कांटेक्ट नंबर भी है 7724947766। इस पर कांटेक्ट करके और जानकारी आप ले सकते हैं। हमारे स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री प्रजातंत्र गंगेले जी का भी यहाँ पर संपर्क ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और वेबसाइट भी दी हुई है vvm.org.in, आप उस पर भी जाकर जानकारी निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे और सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए और इस एग्जाम को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है हमारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो भी हमको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा जो हमारे नवोदय विद्यालय की जो समिति है वो भी हमारे साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, वो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय का जो संगठन है वो भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। CBSE काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इंडिया, वो भी हमारे साथ मिलके हमको सपोर्ट दे रहा है। और लास्ट जो है भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। तो ये हमको, ये हमारे सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सभी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं और इसको एग्जाम को जन जन तक पहुंचाने का, सभी विद्यार्थियों पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग एग्जाम में रजिस्टर करिए। अगला ये हमारे कुछ मेंटर्स हैं, ये प्रोफेसर अनिल
काकोड़कर, ये फॉर्मर चेयरमैन है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हमारे मेंटर्स हैं, पैट्रॉन्स हैं। और डॉक्टर जी माधवन नायर, फॉर्मर चेयरमैन इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर वी के सारस्वत, मेंबर ऑफ नीति आयोग। डॉक्टर विजय भटकर, नेशनल प्रेसिडेंट विज्ञान भारती। श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विज्ञान भारती। डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति, डायरेक्टर एनसीईआरटी। श्री मनोज आहूजा, चेयरपर्सन सीबीएसई। डॉक्टर नकुल पारासर, डायरेक्टर विज्ञान प्रसार। ये हमारे मेंटर्स हैं। एडवाइजर में हमारे मिस निधि पांडे, कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन। श्री विनायक गर्ग, कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति। डॉक्टर जोसेफ एमेन्युअल, डायरेक्टर अकेडमिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। डॉक्टर विश्वजीत साहा, डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। श्री एम सी शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। डॉक्टर सुधीर भदौरिया, सेक्रेटरी जनरल विज्ञान भारती। ये हमारे एडवाइजर्स हैं। हमारे जो नेशनल कन्वेनर हैं, डॉक्टर अरविंद रनाडे जी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। नेशनल को कन्वेनर हैं मैडम मयूरी दत्ता, कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है हमारे डॉक्टर ब्रजेश पांडे, महाराष्ट्र से हैं। तो ये हमारी पूरी कमेटी है। तो इस एग्जाम के बारे में अधिकतम जानकारी तो हमारे द्वारा आपको दे दी गई है, और अन्य जानकारी के लिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, वेबसाइट, मेल आईडी भी यहाँ दिया हुआ, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और इसका पूरा रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, इंडिविजुअल स्टूडेंट का स्कूल का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, इस पूरी प्रोसेस को समझाने के लिए मैं अलग, हमारा और अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख कर भी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। काफी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको मिल गई है। और भी कुछ जानकारी यदि आप चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इस एग्जाम के बारे में आप समझ सकते हैं। दूसरी बात एक और कि हमने जो टेलीग्राम की बात की थी, आप जरूर उसको ज्वाइन कर लें, ताकि सब बच्चों को एक साथ हम वहां पर और भी जानकारियां हैं वो हम भेजते रहेंगे।